स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफिस विद एक्सपर्ट में। आज हम इसमें सीखेंगे वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं। वी लुकअप का यूज हम इस टेबल में करेंगे जिसमें हम वी लुकअप वैल्यू निकालेंगे। इस टाइप के वी लुकअप का यूज करने के लिए इस टाइप की कुछ टेबल दी हुई तैयार की हुई है मेरे पास, ऑलरेडी तैयार है टेबल। इसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट रेट, क्वांटिटी और टोटल प्रोडक्ट प्राइस कितना है, इस टाइप की टेबल है। आप कोई भी टेबल लेके या कोई भी डेटा लेके आप इसमें यूज कर सकते हैं। वी लुकअप जो होता है वो हर जगह यूज होता है आपका फॉर्मूला कोई भी डेटा को फाइंड करने के लिए। और जो वी लुकअप होता है उसका मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो हम देखते हैं इसमें कि हम किस तरह से निकालेंगे, फाइंड करेंगे वी लुकअप। तो हम सबसे पहले इसमें इक्वल प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें किस बेस पर निकालना है, सीरियल नंबर, तो हमें 6 लेना है इसमें, यहाँ पर जो हमने 6 अलग से लिखा हुआ है उसको लेना है, इस बेस पर हमें निकालना है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, टेबल एरे ही आ रहा है तो टेबल एरे हमारा पूरा टेबल हो जाएगा। इसको आप माउस से भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल को होल्ड रखेंगे, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, राइट एरो प्रेस करेंगे, देन उसके बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे, आपका जो डेटा है जितने में आपने लिखा हुआ है उतना सिलेक्ट हो जाएगा आपका। कॉमा लगाएंगे, अब इसमें निकालना क्या है, फाइंड करना है हमें इसमें प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम में आ रहा है, बी कॉलम में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर वी नहीं लिखना है, हमें इसमें 1 2 करके लेना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो 2 कॉलम में है, 2, 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए 6 नंबर पे क्या आ रहा है, नोट पैड आ रहा है, तो नोट पैड आ गया यहाँ पर हमारा। अब क्या होता है इसमें, अगर मैं एक एक करके निकालती रहूंगी यहाँ पर तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने से भी आ जाता है, बट क्या होता है कभी कभी हमारी जो वैल्यू है वो गलत आती है, ठीक है। लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। इसको करने के लिए हमें जो हमने टेबल एरे लिया है वहां तक तो हमें सेम रखना है, कॉमा मैच प्रेस करना है, मैच लिखना है यहाँ पर, हम इसमें मैच का भी फॉर्मूला लगाएंगे। मैच का फॉर्मूला लगाने के लिए मैच लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें इसमें क्या लेना है, अब आ रहा है लुकअप वैल्यू, हम निकालना क्या चाह रहे हैं इसमें, तो हम जो निकालना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट नेम, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आ रहा है लुकअप एरे, जो लुकअप एरे है हमें वो लेना है, तो लुकअप एरे हमारा क्या है, ये है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट रेट, क्वांटिटी और टोटल प्रोडक्ट प्राइस, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे यहां से। तो देखिए अगर मैंने यहां पर ये भी फॉर्मूला लगाया है, देन उसके बाद में अगर मैं यहां से चेंज करती हूँ, सेम आ रहा है, ठीक है। अगर सेम आ रहा है तो मैं यहां पर जरा नंबर चेंज करती हूँ, बता देती हूँ आपको, मैंने 8 ले लिया यहां पर, तो देखिए जो हमारा 8 नंबर पर है वो थोड़ा गलत आ रहा है इस तरह से। तो ये जो रॉन्ग आ रहा है इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, रिंग में जाएंगे, जो प्रोडक्ट नेम है F2 प्रेस करेंगे। अब हमारा यहाँ पर लुकअप वैल्यू थे, इसको हम F4 प्रेस करेंगे, साथ में टेबल एरे जो आ रहा था हमारा इसको भी हम लॉक कर देंगे F4 से, इसको भी लॉक करेंगे F4 से। ये जो आ रहा है हमारा लुकअप वैल्यू, मैच के मैच में जो लुकअप वैल्यू आ रहा है उसको हमें नहीं करना है लॉक, A1 आ रहा है हम इसको भी लॉक कर लेंगे F4 से, और जो हमने लुकअप एरे लिया था उसको भी हम लॉक कर देंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे, अब हम इसमें अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इसकी निकल के। अब यहाँ पर मैं किसी का भी नाम, जैसे कि मान लो मैं 12 ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने 12 ले लिया, 12 आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पर अगर 10 डालती हूँ, 10 नंबर, तो 10 नंबर पे आ गया, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है निकल के इसमें। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी इसकी देखने के लिए। तो आप इस तरह से वी लुकअप का यूज कर सकते हैं गाइज़।